शीशा से हम पीछे का लिए है ये दिखाने के लिए कि पीछे क्या हो रहा है और हमारा गाड़ी मूवमेंट हो रहा है। तो मोशन जो है, मोशन दो टाइप का हम दिखा रहे हैं, सामने पीछे। ऑफ सेंट्रल इंडिया, दिल ऑफ इंडिया, दिल देखो दिल। तो चले, हम आपका स्वागत करते हैं खजुराहो में, शपक है। ये एक राक्षस है, इस राक्षस का वध भीम ने किया था, महाभारत बतलाया गया है। ये राजा विराट का शाला था, इसने मंदिर के अंदर जाकर द्रौपदी पर गलत निगाह डाली थी, भीम ने इसका वध किया था। इसने गलत किया था, इसको पनिशमेंट मिला हुई, सजा मिली हुई है। दूसरा, इस राक्षस का बंदी करी जिन्हें बतलाया गया है, जैसे हमारे घर में छोटा बालक होता है, माँ काजल लगाती है बच्चे पर, हम आप घर मकान दुकान वाहन पर काली चोटी का काफ़ी कामसास की मूर्तियों को दर्शाया गया है, श्रृंगार रस की मूर्तियों को दर्शाया गया है। देव, देव का दो अंश होता है, देव देव मीन्स होता है भगवान, और देव देव मीन्स होता है लेना। सामने सो यू कैन सी एज इट वॉज सेड बिफोर दैट दिस इज वन ऑफ द यूनिक डेस्टिनेशंस ऑफ मध्य प्रदेश, a state which has got an exquisite vision of sculptures, tigers, as well as reindeer forests. And this one is one of the falls which is rightly said as the Niagara Falls of East. So we have the east of Venice in Udaipur and we have the east of Niagara Falls in India. So really this is incredible India where we have got varieties of locations to offer. You can see a lot of travelers from not only from India but are also from abroad, they come over here for exquisite locations. ये सर जो आप लोग ये जगह देख रहे हैं, इसका नाम है रनिह वाटरफॉल और ये एक रिवर है, रिवर का नाम है केन रिवर। ये रिवर जो 125 किलोमीटर दूर से आती है विंध्याचल माउंटेन से निकल के और 200 किलोमीटर आगे जाके उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर में जुड़ती है चिल्ला घाट पर, इसलिए इस रिवर का दूसरा नाम कर्णावती रिवर भी है। महाभारत में राजा कर्ण के बाणों से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है, ये किंवदंती है। रियलिटी बात यह है कि यहाँ पर एक वॉल्केनो कैनियन है, उसी की वजह से ब्रिटिश टाइम से इसका नाम चेंज हुआ है और ये केन रिवर रखा गया है। और यहाँ पर जो है कई जगह से वाटरफॉल चलते हैं, तो इसको मिनी नियाग्रा फॉल का नाम दिया गया है। और इसमें जैसे कोई 30 मीटर का, 60 मीटर का, और ये कई तरह के वाटरफॉल यहाँ चल रहे हैं। और यहाँ वाटरफॉल के साथ साथ कैनियन व्यू भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने एशिया का इकलौता वॉल्केनो कैनियन है जो यहाँ पर है। और ये ज़्यादातर है जो सितंबर और अक्टूबर से लगा करके ये जून तक यहाँ कैनियन व्यू देखने को मिलता है। इसका अगर आपको नियाग्रा फॉल की अगर देखना है कि हम नियाग्रा फॉल का आनंद ले रहे हैं, तो आपको जुलाई से लेके और ये अगस्त सितंबर तक का समय रहता है। यहाँ पर है जो आपको कई तरह के रॉक्स नज़र आएंगे, जो सारे वॉल्केनो रॉक्स हैं इनको अग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक्स है जो पिंक कलर का है, इसी में ब्लैक कलर की बेसाल्ट रॉक है, वाइट कलर का क्वार्ट्स है और कहीं कहीं रेड कलर का जेस्पर, ये कई तरह के यहाँ पर पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जो पत्थरों का संसार है। आप अगर नीचे जाके देखा जाए, इसमें कुछ जगह वैरायटी लगी हुई है, आप पत्थर समझ नहीं पाएंगे मैं कौन सा पत्थर रखूं कौन सा छोड़ूं, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल रॉक्स हैं इसके अंदर। और ये सारे मिनरल्स हैं इनमें, क्योंकि जो वॉल्केनो एरप्ट से जो लावा निकला है उनमें चारों में मिनरल्स हैं, किसी में आयरन है, जिंक है, कॉपर है, लेड है, ये कई तरह के। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेन चीज़ है, ये सारा का सारा जंगल है जिसका एरिया 45 स्क्वायर किलोमीटर है। एक पन्ना टाइगर रिजर्व का ये एक छोटा हिस्सा है,
जो केन घड़ियाल सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, और इसी रिवर में आपको घड़ियाल और क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं जो 1 अक्टूबर से लगा के 30 जून तक वाइल्ड लाइफ का एरिया खुल जाता है। उसमें आपको बोटिंग फैसिलिटी मिल जाएगी और घड़ियाल क्रोकोडाइल मिलेंगे, कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पर वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंटीलोप है, स्पॉटेड डियर है, चिंकारा है, वाइल्ड है, बोर है, हाइना है, जैकल है, बुल्फ है, ये कई तरह के यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ नेचर यहाँ बहुत कुछ समझने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल वॉक के लिए एक नेचर ट्रेल बनाया गया है जिसमें आप 1 किलोमीटर लगभग नदी के किनारे किनारे जंगल के बीच से एक नेचुरल वॉक कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यहाँ पर जो हवा है ये 100% बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल साफ है। और आप कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ मूवीज भी शूट हो चुके हैं। जी सर, हाँ, यहाँ पर अभी तक है जो मेरे सामने यहाँ पर 3 फिल्मों का शूटिंग हो चुका है। एक सबसे पहले फिल्म बनी थी 1996 को मीरा नायर की कामसूत्र पिक्चर, जो खजुराहो टेम्पल, राजगढ़ पैलेस और इसी रने फॉल पर शूटिंग हुई थी, जिसका व्यू आपके सामने है यहाँ पर है, जो नवंबर के महीने में शूटिंग हुई थी, जो मीरा नायर और रेखा जिसमें काम किया है उसमें 3 सीन देखने को मिलते हैं। हालांकि शूटिंग उसका 7 दिन हुआ था, अब पता नहीं उसके कौन से सीन किस फिल्मों में डाले गए ये पता नहीं, लेकिन 3 सीन यहाँ पर उसके देखने को मिलते हैं। हथकड़ी डार के मूर्ति बनाने वाला, दूसरा एक रेखा जो स्विमिंग करती है, तीसरा एक है लड़कियों का क्लास लिए है जो कामसूत्र के बारे में बता रही है, वो भी इस जगह का सीन है। दूसरी फिल्म यहाँ पर एक सन 1700 ईस्वी का भारत, उसका एक अंग्रेजी फिल्म बनी थी जो इंग्लैंड वालों ने बनवाई थी, जो उसका नाम शायद सार्क पैरल नाम का एक सीरियल है जो यहाँ हुआ था। तीसरा एक तमिल फिल्म बनी थी गोलमाल पिक्चर, जिसमें जीडी चक्रवर्ती और नेहा हीरोइन थी, उसमें जो छोटी दाढ़ी वाला जीडी चक्रवर्ती है उसने यहाँ शूटिंग किया था। जी हमारे धन्यवाद बहुत बहुत आपकी, थैंक यू। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम है शंकर लाल मिश्रा और मैं यहाँ पर गाइड का कार्य करता हूँ, और मुझे इस जगह का करीब 28 साल का अनुभव है इस जगह से। और पहले है जो हम लोग अंदर जाया करते थे, पर्यटकों को नीचे ले जाया करते थे, और इस जगह पर स्विमिंग करने का बड़ा इंजॉय रहता था खास तौर से। और मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूं, ये नदी सबसे साफ सुथरी रिवर है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए इंडिया में सबसे क्लीन रिवर कौन है, तो आप सीधे बोल देना केन रिवर, जो यहाँ पर कटनी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्टिंग होती है और आगे जाके यूपी में ये यमुना नदी में जुड़ती है, क्योंकि इसका 40% एरिया फॉरेस्ट एरिया है जो पन्ना टाइगर रिजर्व में आता है, और 60% एरिया एग्रीकल्चर लैंड है। इसके किनारे ना कोई सिटी है, ना कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है, और एकदम क्लीन वाटर है जो कई आयुर्वेदिक जड़ों का रस आकर के इसमें मिलता है, और ये और साफ हो जाती है, और ये मिनरल्स वाटर है जो कई बीमारियों को दूर करता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। नवग्रह आपने सामने देखा, और इसके बाद में 5 तत्वों से जो प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसको तोलन द्वार बोलते हैं, शुभ और सुंदर। खजुराहो के जो ये मंदिर है, सबसे पहले तो ये है कि खजुराहो का जो नाम आया वो कैसे आया, किसी के नाम के पीछे किसी कोई ना कोई कारण होता है। खजुराहो का जो नाम आया वो आया डेट पाम ट्री से, ये बताते हैं। यहाँ से 1100 वर्ष पूर्व खजुराहो को खजूर वाटका के नाम से और खजूरपुरा के नाम से भी संबोधित किया जाता था और जाना जाता था, जो वर्तमान में आज खजुराहो। ये बतलाते हैं कि खजुराहो के एंट्रेंस गेट पर जो एक गोल्डन गेट पाम ट्री के पेड़ हुआ करते थे, वहाँ से जाने के लिए रास्ता था खजुराहो के लिए, तो खजु इस डेट राहो मिस टू रूट रीच इन खजुराहो। इंडिया इज इनक्रेडिबल, हॉय एस्टम आगी इन खजुराहो y los templos son fantásticos. Yo nunca había visto algo así, es alucinante. India es super bonita. I love India. Solo en Cayurajo hemos llegado hoy
pero es precioso. Me gusta que sea un pueblo súper tranquilo. Los templos me parecen maravillosos. Y bueno, hemos estado desayunando en un restaurante que era buenísimo, porque la comida india es espectacular. Me gusta la comida india, me gusta la gente, o sea, súper guay. ¿Súper? जो अपनी फिजिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी बाय द मैजिशियन और विदाउट ऑफ एजाकुलेशन अपनी एनर्जी को सस्टेन करते हैं। जो भी लिखाया हुआ है ये उसको आपकी तफ्तीज दिखाई गई और इसमें से अगर आप बहुत से लोगों से मिले पोस्टर एक सभी आ सकते हैं अलग अलग टाइम पर खड़े हुए सेकेंड पैर से दूसरे राउंड किए हुए हैं और एक तरह पैर से खड़े होते हैं जिस पर दूसरे टाइम में वन लैक और तो अटेंडेंस लगा हुए हैं हेल्थ के लिए क्योंकि अटेंडेंस आप अगर गौर से देखते हैं तो अटेंडेंस बोली हुआ चल रही है क्योंकि दोनों के दोनों